हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके लिए सभी के सभी राशियों के लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज है इस बार, यानी कि अब नेक्स्ट वीक के लिए। सिर्फ 7 डेज का मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। आप हर राशि के लिए जान सकते हैं, तो अपनी राशि के जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ के साथ अपने फ्रेंड्स में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मैं इसे पिक कार्ड में नहीं ले रही हूँ, ना ही मैं इसको अलग अलग बनाकर जैसे पाइल्स में नहीं ले रही हूँ। मैं इसे इस तरीके से बताना चाहती हूँ कि हर एक साइन को, सन साइन को, हर एक असेंडेंट को क्या मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से इस मंथ के लिए, इस वीक के लिए स्पेशली। सॉरी, इस मंथ के लिए नहीं फ्रेंड्स, इस वीक के लिए क्या मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। चलिए, मेरे पास 3 पाइल्स हैं। ये राइडर वॉट का सिंपल है और ये ओशो के कार्ड्स हैं और ये पाइल है हील विद द एंजल्स या मैसेज विद द एंजल्स है। तो 3 पाइल्स मेरे सामने हैं और मैं इन तीनों में से आपके सामने ही कार्ड्स पिक करूंगी। ऑलमोस्ट 5-5 कार्ड्स, ये देखिए अपने आप ही आ गया। तो ऑलमोस्ट 5-5 कार्ड्स पिक करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ। पहले 5 कार्ड्स जो आए हैं, देखिए वो है, फर्स्ट कार्ड है डेविल। इसका मतलब एरीज जो हैं वो कुछ ऐसा फील कर सकते हैं कि दे आर बाइंडेड, दे आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू। उसके बाद उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम है। वन राइट जजमेंट एंड देयर लाइफ इज गोइंग टू टर्न, विच इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, एक डिसीजन तो लेना ही है। जो डिसीजन एक लेंगे उससे उनको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एसेज ऑफ कप्स भी है। एसेज ऑफ कप्स कहता है कि जो उनको जो है अपने मन की कोई खुशी मिलेगी। देखिए, शादी अगर नहीं हुई है और शादी से कंसर्न्ड अगर कोई चीज़ है तो उसमें अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं रिपीट कर देती हूँ आपको, डेविल कहता है कि आप अपने आप को बाइंडेड महसूस करेंगे। फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जो आप अगर सही लेते हैं तो आपकी लाइफ टर्न हो जाएगी और मैरिज से कंसर्न या रिलेशनशिप से कंसर्न जो इश्यूज हैं वो ठीक होंगे। थोड़ी कन्फ्यूजन लगी रह सकती है या मन में कुछ हलचल लगी रह सकती है, आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन भी लगी रह सकती है, पर अदर देन दैट नथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। स्टार कहता है कि आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे। आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब हम ओशो से इसकी गाइडेंस लेते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है। यूनिवर्स कहता है कि आप लोनलीनेस नहीं, अलोननेस को एंजॉय कीजिए। देखिए कितना अच्छा कार्ड है कि आप अलोननेस को भी एंजॉय कर सकते हैं। अलोननेस को कैसे एंजॉय करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, अलोननेस का मतलब है कि आपने ये नहीं सोचना कि आप अकेले हैं। अकेले तो हम सभी हैं और अपने अपनी जर्नी पर, अपने अपने पाथ पर हमको जाना ही है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। बट वो ये कहते हैं कि आप इस लोनलीनेस की, आप अपने आप को लोनली ना समझें। फर्क है इसमें, लोनलीनेस और अलोननेस में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। वो कैसे फर्क है कि आप अपने आप को लोनलीनेस महसूस करते हैं कि आप लोनली हैं, और अलोननेस का मतलब है कि आप अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि आप अकेले होकर भी बहुत खुश हैं। अकेले होकर भी आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कितना बड़ा लेसन है कि आप अकेले हैं लेकिन आपको अकेले होकर ये नहीं लग रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ देखिए, आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जो है वो कंप्लीशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, कोई आए और वो मुझे कंप्लीट करे। अब कितनी अच्छी बात है कि आपको कंप्लीशन की किसी के लिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट है। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी शादी की बात हो सकती है, आपको कोई कंप्लीट कर दे, ये भी बहुत बात बड़ी हो सकती है कि आपको लग रहा कि ये मेरा पार्टनर जो है ये अगर मुझे कंप्लीट कर दे तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और इसकी लाइफ में मेरी प्रेजेंस जो है, मेरी लाइफ में इसकी प्रेजेंस मुझे कंप्लीट कर देती है, मुझे एक हिसाब से बहुत ज़्यादा चैन देती है, और जो मेरा अलोननेस है, मेरी ब्यूटी है, जो लोनलीनेस की में ब्यूटी है, वो भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगे कि हाँ भाई, मैं लोनली नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हूँ। और आप इस चीज़ को एंजॉय कैसे करेंगे, अपनी फ्रेंडलीनेस के साथ, अपने पार्टनर के फ्रेंडलीनेस के साथ आप इसको एंजॉय करेंगे। ये सोर्स का, यूनिवर्स का मैसेज है कि आप इस मैसेज को बहुत ही पॉजिटिवली लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है और किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ये मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स के लिए। देखिए, है ना बड़ी मज़ेदार चीज़ कि तीनों पाइल्स में से
कार्ड्स की प्लेसमेंट ऐसे आती है कि पूरी स्टोरी डेवलप होती है. न्यू लव, आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है. अगर आपकी शादी की बात हो रही है तो नेचुरली आ रहा है और मन की इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं. और आपका ये टाइम है जब आप कंप्लीट महसूस कर रहे हैं, आपका ये टाइम है जब आप फ्रेंडलीनेस को एंजॉय कर रहे हैं, आपका ये टाइम है जब आप प्लेफुलनेस को एंजॉय कर रहे हैं. और ये कितना मज़ा आ रहा है ना इस प्लेफुलनेस को देख के. और आपके दिल की सारी तमन्नाएं पूरी होंगी. ड्रीम्स, वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड. सो ब्यूटिफुल इट इज. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गोइंग टू फील द म्यूजिक ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स गोइंग टू बी रियली वंडरफुल फॉर यू. सो एरीज, दिस वीक इज गोइंग टू बी मोस्ट वंडरफुल फॉर यू. ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि अगर आपके कोई भी काम रुके हुए हैं, मैरिज से लेकर रुके हुए हैं, रिलेशनशिप से लेकर रुके हुए हैं, तो आपके लिए डिसीजन जो हैं वो आपकी फेवर में जाएंगे. आपके लिए डिसीजन शादी तक भी जा सकता है, और अगर शादी तक जाता है तो आपकी जो लोनलीनेस है वो दूर होगी और फ्रेंडलीनेस आपकी लाइफ में आएगी और आप अपने आप को बहुत कंप्लीट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे. ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग है फ्रेंड्स. ये तो था एरीज के लिए ये वीक यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है. आगे मैं अब हर एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि आगे आगे जितने भी सन साइंस हैं उसमें क्या मैसेज आपको मिल रहा है. प्लीज़ स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.